नमस्कार, कुक एंड लर्न विद मृदुला चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्दी की सुबह सुबह सभी का मन करता है मूली के करारे करारे पराठे खाने को। चलिए अब देखते हैं मूली के तीन तरह के पराठे हम कैसे बना सकते हैं। पराठे बनाने के लिए हमने मूली को तीन पार्ट्स में कर लिया, क्योंकि तीन तरह के पराठे बनाने हैं। जो पहला पार्ट है, इसमें हम आधा ये टीस्पून नमक का मिलाकर रख देंगे, ताकि जो मूली है उसमें से सारा पानी रिलीज हो जाए। ये देखिए, ये पानी इसमें से रिलीज होना शुरू हो गया है। इसको अभी हम ऐसे ही रख देंगे। ये आटा है गेहूं का आटा, हरी मिर्च, धनिया कटा हुआ, ऑयल, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अजवाइन है, चाट मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है, आधा स्पून हल्दी पाउडर है, यह है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और अदरक को हमने कद्दूकश कर लिया है। पहले हम सिंपल आटा लगाएंगे। ये मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/2 टीस्पून साल्ट का ऐड कर रहे हैं, अजवाइन क्रश करके डालेंगे और अब हम स्टोव को लगाते हैं, क्योंकि 2 तरह के पराठे हमने इसी डो से बनाने हैं। थोड़ा सा आटा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं, और हल्का सा नमक भी मिला लेते हैं। और ये ऑयल है, 1/2 स्पून इसमें ऑयल का डाला है, और ये सिंपल वाटर से डो लगा लेंगे। अच्छी तरह मसलते हुए ये ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाना हमने, क्योंकि मूली भी नरम होती है, अगर हम ज़्यादा टाइट डो लगाएंगे तो वो पराठा फट जाएगा। डो लगकर तैयार हो गया है, देखिए इस तरह का हमने बनाना है ये। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे हम ढक के रख देंगे और भरावन जो है इसका वो तैयार कर लेंगे। रखने से थोड़ा और भी मुलायम हो जाएगा, जैसे कहते हैं कि कनी मर जाती है आटे की, अर्थात वो पूरा का पूरा अच्छा मुलायम हो जाता है। जिस बाउल में मूली में हमने नमक लगा कर रखा था, देखिए उसमें मूली ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब इस पानी को हम मूली से सेपरेट करेंगे। चाहे तो आप कपड़े में बांध कर कर सकते हैं इसको, या आप हाथ से भी कर सकते हैं, या मैं हाथ से कर रही हूँ। देखिए बहुत पानी इसमें से निकल जाएगा। मूली हमने निचोड़ ली है और ये पानी इसमें से मूली का पानी निकला है। वैसे तो ये बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन कई बार मूली कड़वी निकलती है तब इससे हम आटा नहीं लगाते, वरना हम आटा जो लगाते हैं पराठा के लिए इसी पानी में लगाते हैं। आज मैंने इसमें नहीं लगाया। कुछ मसाले मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो मूली हमारे पास है। ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और एक थोड़ा सा इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। 1/2 स्पून चाट मसाला, धनिया पाउडर 1/2, ये टीस्पून ही है, 1/2 टीस्पून ये हरी मिर्च, अजवाइन को थोड़ा सा हाथ से मसल के, हरा धनिया का बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इस सारे को डो को हम मिला देंगे, जो है ये मूली का सारा मिक्सचर ये हमने मिला लिया।
नमक इसमें हम बाद में मिलाएंगे पराठा बनाते समय, वरना ये पानी फिर से रिलीज कर देगी। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। ये एक बाउल में जो हमने मूली अलग रखी थी वो हमने इसमें शिफ्ट कर ली है बड़े बाउल में, इसका हम डो लगाएंगे। इस मूली में से हमने पानी भी नहीं निकाला, ऐसे के ऐसे है ये, इसका जूस मूली का इसके अंदर ही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ये मैंने एक टीस्पून नमक डाला है, अजवाइन हाफ स्पून, टीस्पून चाट मसाला हाफ टीस्पून, ग्रेट किया हुआ ये अदरक है एक स्पून, इसका मूली के साथ और हरी मिर्च के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और एक स्पून लिए हमने हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और साथ ही में हरा धनिया, हरिया धनिया के पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाल रहे हैं। और अब हम सबको मिक्स करके इसमें उतना ही आटा डालेंगे जितना इसमें आ जाए। इसके साथ में हम कोई पानी का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल वाटर का यूज़ हम नहीं करेंगे। नमक अगर आपको अपने टेस्ट का करना हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि कम, बिल्कुल कम नमक भी इसमें अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं लगता, टेस्ट खराब हो जाता है। अब धीरे धीरे हम इसमें आटा मिलाएंगे। आप अपनी पसंद से चाहें तो इसमें थोड़ा बेसन भी मिला सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ अब सिंपल गेहूं का आटा ही इसमें मिला। इस स्टेज पर आकर इसमें हम एक स्पून ऑयल डालेंगे बीच में गूंदते हुए। डो थोड़ा सा ये लूज है, इसमें हमें बार बार इसलिए मिलाना पड़ता है सूखा आटा, क्योंकि मूली जब नमक के साथ रिएक्ट करती है तो वो बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज कर देती है, इसीलिए हमें इस डो को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इसमें बार बार हमें आटा मिलाना पड़ता है। ये डो तैयार हो चुका है, अब मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ और ढक के रख रही हूँ, फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। एक पैन को हमने गैस पर रखा है और मैं गैस को ऑन करने जा रही हूँ, मीडियम लो है इसकी। और ये जो तीसरा पार्ट मूली का हमने रखा था, इस पैन में हम इसे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो सारा पानी है वो अपने आप ही भाप बन के उड़ जाए। ये पानी ड्राई हो रहा है, इसका सिम है गैस। और अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, आधा स्पून धनिया, आधा ही टीस्पून चाट मसाला, चाट मसाले से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, अदरक ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्च आधी स्पून ये भी। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी भी डालेंगे, जो ये हम फ्राई करते हैं इसमें हल्दी बहुत अच्छी लगती है कलर इसका,
देखिए, भूनते समय नहीं डालेंगे। नमक आटे में भी है जो हमने डो लगाया था, इसमें हम हाफ टीस्पून नमक डालेंगे। और थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख लेना कि अगर आप ज्यादा नमक खाते हो। मूली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, मसाला भी इसमें रम चुका है। अब मैं गैस बिल्कुल बंद कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है तब तक हम जो दूसरे पराठे हैं दो वो तैयार करेंगे। ये मिश्रण भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया डालकर एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। गैस पर हमने तवा रखा है और गैस को ऑन कर दिया है। अभी बिल्कुल सिम पे रखेंगे गैस को। सबसे पहले हम जो मिक्सचर बनाया था इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हमने नमक नहीं डाला था। जब अब आटे की एक लोई तोड़कर उसमें हम इस मिश्रण को भरेंगे। इस तरह से जो हमारे बच्चे अभी अभी खाना बनाना सीख रहे हैं, मूली का पराठा, वो इस वीडियो को देखकर बड़े आराम से बना लेंगे, तीनों तरह के तरीकों में से जो भी उन्हें पसंद आए। और यहाँ पर हमने ये भरावन को रख दिया। अब क्या करेंगे, एक ट्रिक है, इस पर हमने थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से डालना है, सारे पे स्प्रेड कर देना है ताकि हमारे पराठे फटे ना। और इस तरह से बीच से इसको दबाते हुए ये हम इसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए इसको हम इस तरह से हाथ से ही इस तरह से फैलाएंगे। ताकि ये चारों तरफ अच्छी तरह से मिश्रण फैल जाए। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए, पूरे इसमें ये मिश्रण फैल गया है। तवा भी गर्म हो गया है। तवे पे पहले हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे और पराठा उसके ऊपर आराम से डालेंगे। पराठे को हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। अब हम पराठे को पलट के देखेंगे। ये सीका है अभी, थोड़ी सी गैस हम मीडियम करेंगे लो इसकी, और इस तरफ भी हम ऑयल लगाएंगे फैलाते हुए। पराठे को हम दो तरीके से सेक सकते हैं, एक तो हाई फ्लेम पर और एक लो फ्लेम पर। अगर हम लो फ्लेम पर इसको सेकते हैं, मीडियम लो पर, तो ये बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनता है। अगर हाई पर सेकते हैं तो थोड़ा सा ये नरम बनता है। ये देखिए, बिल्कुल ये क्रिस्पी दिखाई दे रहा है आपको। पराठा पलट के देखते हैं। ये देखिए,
बहुत ही सुंदर पराठा, लजीज, एकदम खस्ता खस्ता बन गया है और इसकी बिल्कुल परतें भी अलग अलग हो रही हैं दोनों। पराठे को प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, अब हम दूसरी तरह का पराठा बनाएंगे। थोड़ा सा घी लगा के फिलिंग को इसमें भर देंगे, ऐसे दबाकर थोड़ा सा। ये हमने फ्राई की थी, जो ड्राई रोस्ट की थी फिलिंग, वो है ये। थोड़ा सा इसमें उसी तरह से हमने सूखा आटा डाला है, ताकि अगर कोई पानी का कंटेंट हो तो वो ये एब्जॉर्ब कर ले, ऐसे बीच से फैलाते हुए। अब इसको बेल लेंगे। ये दूसरे टाइप का पराठा तवे पे डाल दिया, अब इसको हम उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। ये पराठा हम थोड़ा तेज आंच पर सेक रहे हैं, वो हमने मीडियम पे और लो पे सेका था। देखिए, हाई फ्लेम पे भी पराठा बहुत अच्छा बनता है। मेरी मम्मी हमेशा हाई फ्लेम पे ही पराठे बनाया करती और उनके पराठे फेमस थे। मैंने भी उनसे सीखे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं पसंद करते हैं, बड़े बड़े पराठे बनाते हैं, लेकिन मूली के इतने पतले पतले बिना भरावन बाहर निकले पराठे, ये बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। देखिए, बहुत ही खुशबूदार पराठा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और तीसरे टाइप का पराठा हम, गैस को मैं बिल्कुल ही ऑफ कर रही हूँ, इतनी देर में मैं तीसरा पराठा बेलकर तैयार करती हूँ। तीसरी तरह की आटा ले लिया है, ये लोई बना लेंगे इसकी। ये बेल लिया है, अब हम इस पर ऑयल लगा देंगे और यहां से इसे इस तरह से सेंटर तक कट कर लेंगे और यहाँ सूखा आटा इसके ऊपर हम ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अब इसे इस तरह से उठाते हुए इसको गोलाई में हम घुमाएंगे। बीच में सूखा आटा लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि इसकी लेयर्स बन जाए। इस तरह से घुमाकर इसे बीच से दबा देंगे। अलग अलग इसकी लेयर्स देखो नजर आ रही हैं बिल्कुल। बेल लेते हैं इसको। तवे पे डाल रही हूँ पराठे को और अब हम इसे सेक लेंगे मीडियम आंच पे। ऑयल लगा देंगे इस पे पलटते हुए। इसमें बिल्कुल लेयर्स अलग अलग हो गई हैं, ये दिखाई दे रही हैं, अलग अलग लेयर्स बिल्कुल पराठे की। तो इस तरह से आप लच्छे पराठे की तरह भी इसको बना सकते हो। ये सिककर तैयार है पराठा, इसे मैंने प्लेट में शिफ्ट कर दी। तीनों तरह के हमारे पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। लीजिए, खस्ता तीनों तरह के पराठे बनकर तैयार हैं। आपको इनमें से जो भी प्रोसीजर अच्छा लगे वही अपनाकर आप कोई भी पराठा ट्राई कर सकते हैं। आप इन्हें दही के साथ, मक्खन के साथ या चटनी के साथ
या इन तीनों के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ मैंने दही का रायता बनाया हुआ है, तो आप कोई भी ट्राई करें और ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हो। थैंक यू।